स्वाधीनता के 75 साल पूरे होने पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम उन वीर स्वाधीन संग्राम सेनानियों की गाथाएं आप तक पहुंचा रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी देश को आजादी दिलाई। आज महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी सैफुद्दीन किचलू की पुण्यतिथि है। पेश है ये रिपोर्ट। अक्टूबर महान स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू की पुण्यतिथि है। वो 1919 के कठोर रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग प्रदर्शन के नायक थे। डॉक्टर किचलू नौजवान भारत सभा के संस्थापक सदस्य थे जिसने हजारों विद्यार्थियों और युवा भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर किचलू का जन्म 15 जनवरी 1888 को कश्मीरी परिवार में हुआ था जो कि अमृतसर में बस गया था। कुशाग्र बुद्धि किचलू ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक तक पढ़ाई की और जर्मनी से पीएचडी पूरी की। वो कैम्ब्रिज के दिनों से ही क्रांतिकारी विचारों के प्रति आकर्षित होने लगे थे और मजलिस में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। मजलिस भारतीय छात्रों की एक सोसाइटी थी जो भारत की औपनिवेशिक दुर्दशा पर चर्चा करती थी। इन सभाओं के कारण ही उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई। किचलू 1913 में भारत लौट आए और अमृतसर में वकालत करने लगे। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अमनदीप बल कहती हैं कि विदेश से वापस लौटने के बाद राष्ट्र के प्रति डॉक्टर किचलू का समर्पण और प्रेम बहुत परवान चढ़ा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जब आए तो उन्होंने आके देखा कि अगर हमें हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें मिलके काम करना चाहिए। यही वजह थी कि अगले दिनों में उन्होंने काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया कि यहाँ पे ये चीजें प्रमोट हो जाए। किचलू महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे, इसके लिए उन्होंने वकालत भी छोड़ दी। मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट पारित किया जिसके तहत सरकार को बगैर कोई मुकदमा चलाए लोगों को जेल भेजने का अधिकार मिल गया। इसका जबरदस्त विरोध हुआ और इस क्रूर कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इस कानून का विरोध किया। 30 मार्च 1919 को उनकी जनसभा में करीब 30,000 लोग जुटे। इस सभा में हुए किचलू के भाषण ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। प्रोफेसर अमनदीप पल कहती हैं कि डॉक्टर किचलू बेहद प्रभावशाली वक्ता थे। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने अमृतसर की गलियों में सरकार विरोधी जुलूस निकाला। दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और धर्मशाला में कैद कर दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई। बैठक कभी चल ही रही थी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस ने भीड़ पर 1650 राउंड फायर किया। कांग्रेस के अनुसार उस गोलीबारी में करीब 1000 लोग मारे गए। सरकार ने डॉक्टर किचलू को दिसंबर 1919 में रिहा कर दिया। वे सांप्रदायिक सौहार्द के समर्थक थे और धार्मिक आधार पर विभाजन के विरोधी थे। वो 1952 में लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। दिल का दौरा पड़ने से 9 अक्टूबर 1963 को डॉक्टर किचलू का निधन हो गया। 9 अक्टूबर के ही दिन 1942 में पंजाब की स्वतंत्रता सेनानी सत्यवती देवी ने लाहौर जेल में ब्रिटिश झंडा हटाकर कांग्रेस का ध्वज लगाने का साहसिक कारनामा किया था। बिजली या माताजी के नाम से लोकप्रिय सत्यवती देवी को उनके 3 बच्चों के साथ 26 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्होंने राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा का विरोध किया। 9 अक्टूबर 1942 को सुबह 5 बजे
उन्होंने साथी कैदियों को एकत्र किया। इसके बाद उन्होंने महिला जेल पर कांग्रेस का ध्वज लहरा दिया। उन्हें एकांत में रखा गया, लेकिन उनके आंदोलन का परिणाम तब सामने आया जब ब्रिटिश अधिकारी आखिरकार लाहौर जेल में राजनीतिक बंदियों की दशा सुधारने को तैयार हो गए। सत्यवती देवी स्वामी श्रद्धानंद की पोती थी। पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत उनके बेटे थे। वे भगत सिंह को अक्सर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। उनके पति लाला अचिंत राम को पंजाब का गांधी भी कहा जाता है। जिस रात राष्ट्रवादी नेता चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर छोड़ा, उस रात वो सत्यवती के घर ही ठहरे थे। 26 अक्टूबर 2010 को उनका निधन हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज का नाम इसी महान स्वाधीनता सेनानी के नाम पर रखा गया है।